नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं अजय भारत, मैं हूं तनुप्रिया। पूरे देश में एनआरसी और सीएए को लेकर जहां बवाल है, वहीं बीजेपी सरकार इसका समर्थन कर रही है और उन्होंने ये भी कहा कि उनके मैनिफेस्टो में ये शामिल था, लाना निश्चित तौर पर था ही। लेकिन जिस तरीके से स्थिति गंभीर होती चली जा रही है पूरे देश में, और न ही सिर्फ दिल्ली, पूरे देश का यही हाल है। आज बिहार बंद भी है, इसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। और कल गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि बीजेपी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में ही ये तमाम बिंदु शामिल की थी कि ये लाना ही है, जिसमें ट्रिपल तलाक, राम मंदिर बनवाना, साथ ही साथ धारा 370 को हटाना भी शामिल था। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ सीए और एनआरसी आना चाहिए। हम सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं आए हैं, देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं। हो सकता है कि हमें थोड़ी समस्याएं आए, पर हम में और हमारे नेता में साहस है। तो इस बीच अमित शाह ने ये ट्वीट किया है और लिखा है कि हमारे नेताओं में साथ साथ उनमें भी तमाम कानून को लागू करने का साहस है। हालांकि पूरा देश उबल रहा है और जल्द से जल्द नागरिकता संशोधित कानून को वापस लेने की भी मांग की जा रही है। इससे मुस्लिम समुदाय के लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जैसा कि एनआरसी आने के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में, असम में नागरिकता साबित करने के बाद हिंदू और बाकी सब धर्म, जिसमें जैन, सिख, पारसी, ईसाई शामिल हैं, वे सब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत तो वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर ये एक्ट लागू हो गया तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागरिकता भारत में नहीं मिलेगी, जिसका जो गैर मुसलमान जो है वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो मुसलमान संगठन के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे भी कड़ी वजह है कि जब उन्हें देश में नागरिकता नहीं मिलेगी तो उन्हें घुसबैठी ही कहा जाएगा। बता दो कि इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने ये भी कहा कि ये किसी भी धर्म, यहाँ तक कि मुस्लिम के लिए भी यह कानून कहीं से भी गलत साबित नहीं होगा, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। और इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि जो घुसबैठी होंगे भारत में, उन्हें रहने की इजाजत हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा था, जिस तरीके से उनके मैनिफेस्टो में भी ये शामिल था कि वह धारा 370 हटाएंगे कश्मीर से, साथ ही साथ राम मंदिर बनवाएंगे, ट्रिपल तलाक नहीं होने चाहिए, साथ ही साथ नागरिकता संशोधित कानून और एनआरसी आना चाहिए। उन्होंने ये भी अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं पुनः स्पष्ट कर देता हूं कि एनआरसी से किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता, और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार विशेष व्यवस्था करेगी, क्योंकि विपक्ष ने उनमें भय फैलाया है, मगर जो घुसपैठिए हैं वो कोई भी हो, उन्हें देश से जाना ही होगा। जिस तरीके से बांग्लादेश के कई मुसलमान रोजगार और बुनियादी ज़रूरतों की तलाश में हिंदुस्तान आ गए थे, खास तौर पर उन मुसलमानों को बांग्लादेश वापस जाना होगा। और साथ ही साथ न ही सिर्फ पूर्वोत्तर के राज्यों में, बंगाल में, पूरे देश में कई जो सीमावर्ती राज्य है वहाँ पर भी कई मुस्लिम संगठन, साथ ही साथ मुस्लिम जो हैं यहाँ पर पलायन किए थे जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का लड़ाई हुआ था उसके बाद, और उसके बाद से कई मुसलमान हिंदुस्तान में नागरिकता के लिए जूझ रहे थे, और उनको यह नागरिकता अब हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी, जिसके लिए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा, उनके मैनिफेस्टो में ही ये शामिल था। हालांकि ये मैनिफेस्टो में आने के वक्त किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया, और अब जब ये कानून लागू हो रहा है तब कई संगठनों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए अजय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।